Hi friends, this is Sahil Roy and I welcome you all to my YouTube channel EU Commerce Scholar. This is the second part of motor insurance. Let's start. आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस. मोटर इंश्योरेंस में क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो भी इंश्योरेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सब मोटर इंश्योरेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स में आते हैं. जैसे यहाँ पे पांच प्रिंसिपल्स बोला गया है. पहला है अटमोस्ट गुड फेथ, सेकेंड वन इज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, थर्ड वन इज़ इंडेमनिटी, फोर्थ वन इज़ सबरोगेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ वन इज़ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट. चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से. जो पहला है हमारा अटमोस्ट गुड फेथ, यहाँ पे बोलते हैं द डॉक्ट्राइन इम्पोजेज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द प्रपोजर टू डिस्क्लोज मटीरियल फैक्ट टू द इंश्योरर. किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की तरह, जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है. पहला है इंश्योरर, दूसरा है इंश्योर्ड. इंश्योर्ड हम लोग जानते हैं पॉलिसी होल्डर है, इंश्योरर कंपनी होती है, दो पार्टीज हो गई. अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब ये जो डॉक्ट्राइन है वो ये कहता है कि जो इंश्योर्ड है उसे पूरी की पूरी जानकारी इंश्योरर को देनी है फॉर्म में फिल करके. तो ये अटमोस्ट गुड फेथ वाली बात है जो इंश्योर्ड की तरफ से हो गई और वो जो जिम्मेदारी है वो फिर इंश्योरर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी. ये बहुत कंपल्सरी नेचर का होता है, मतलब फॉर्म में आपको ये फिल करना बहुत ज़रूरी है. जो डिक्लेरेशन क्लॉज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, जैसे डिक्लेरेशन होता है हम लास्ट में लिख देते हैं, हम ये डिक्लेरेशन देते हैं कि जो भी हमने ऊपर स्टेटमेंट दिए हैं वो बिल्कुल सही है, और हम अपना साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं. तो ये प्रूव हो जाता है कि आपने पूरा का पूरा भरोसा किया इंश्योरर के ऊपर, मतलब इंश्योरर जो है पूरा का पूरा इंश्योर्ड के ऊपर विश्वास करेगा. और मान लीजिए अगर अटमोस्ट गुड फेथ की सिचुएशन में आपने कोई भी जानकारी गलत दी है तो वहाँ पे वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो वॉइडेबल हो जाएगा. तो ये था पहला हमारा अटमोस्ट गुड फेथ. दूसरा कह रहे हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब दिस इज द लीगल राइट टू इंश्योरर, द एसेंशियल्स आर एक्सिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सपोज टू डैमेज और लाइबिलिटी. अब ये एक लीगल राइट होता है किसी भी इंश्योरर के लिए. अब इसको भी चार पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला इंश्योर्ड के प्रति, मतलब द पार्टीज हु आर एक्सपेक्टेड टू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट. कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जिनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है. पहला है इंश्योर्ड, मतलब ये जो इंश्योर्ड है इसका खुद का इंश्योरेंस, खुद की जान अपनी फैमिली की जान बचाना, तो ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट है. दूसरा अदर देन इंश्योर्ड. अदर देन इंश्योर्ड का मतलब ड्राइवर या पर्सन, इंश्योर्ड जिसने इंश्योरेंस करा रखा है उसका जो ड्राइवर हो गया या ड्राइवर को छोड़ करके कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास पूरी की पूरी जिम्मेदारी है गाड़ी की, मे क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द इंश्योर्ड. मतलब अगर आपकी गाड़ी है और आपने किसी को दे दिया चलाने के लिए, इट कैन बी योर ड्राइवर, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर रिलेटिव, और मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो वो जो लायबिलिटी आएगी वो आपके ऊपर आएगी. तो दिस इज द सेकेंड क्लॉज अदर देन इंश्योर्ड. थर्ड वन इज़ फाइनेंसर. फाइनेंसर का मतलब होता है कि अगर आपने गाड़ी, बेसिकली लोग जो पैसा है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, अगर पैसा है तो भी लोग जो गाड़ी खरीदते हैं, व्हीकल्स खरीदते हैं, वो हायर परचेज सिस्टम पे खरीदते हैं, मतलब ईएमआई पे खरीदते हैं, इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं. तो और जब तक गाड़ी आपके नाम नहीं हो जाती, जैसे मैंने कार खरीदी तो मैंने किसी भी बैंक से जब फाइनेंस कराया तो जो ओनरशिप है वो बैंक के पास है. और मान लीजिए दो साल के अंदर कार का एक्सीडेंट हो गया बुरी तरीके से, तो जब कार का एक्सीडेंट हो गया अब मेरे पास तो कार बची नहीं, या चोरी हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया, मैं क्यों पेमेंट करूँगा. तो इस कंडीशन पे जो पेमेंट करेगा वो इंश्योरर है, और किसको करेगा, बैंक को करेगा, क्योंकि बैंक फाइनेंसर था, बैंक के नाम से वो प्रॉपर्टी थी, वो व्हीकल था, वो गाड़ी थी, मेरे नाम से ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, मेरे नाम से तब ट्रांसफ़र होती जब मैं पूरा का पूरा ईएमआई पे कर देता. तो फाइनेंसर को कोई लॉस ना हो तो इसके लिए ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट है. फोर्थ वन है हमारा मोटर ट्रेडर. मोटर ट्रेडर द गैरेज प्रोप्राइटर्स एज बेली हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट फॉर द कस्टमर्स लॉस और डैमेज. मोटर ट्रेडर वो इंसान होता है, बहुत तरीके के मोटर ट्रेडर्स होते हैं. एक मोटर ट्रेडर आप उसे भी कह सकते हैं जो एक्चुअली में कार बेच रहा है, उसके पास गैरेज है, और अगर उसकी गाड़ी में कोई किसी तरीके का कोई डैमेज होता है तो इंश्योरेंस उस चीज़ का भी होता है. दूसरा जो होता है, मान लीजिए कि शहर में गाड़ी रखने की जगह नहीं होती तो कहीं कहीं गैरेजेस बने होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा कारों को रखा एकोमोडेट किया जाता है. तो वहाँ पे जो गैरेज का मालिक है, अगर किसी भी कार में किसी भी तरीके का कोई डैमेज आएगा उसका इंश्योरेंस होता है, गैरेज मालिक को कुछ पे करना नहीं पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. तो ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात है. थर्ड वन इज़ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर इंश्योर्ड के बीच में, इंश्योर्ड की जो कार थी या किस कोई भी व्हीकल था
उसको किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा। मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, कार पार्क की हुई थी, ट्रक ने जोरदार एक्सीडेंट कर दिया, गाड़ी एकदम ख़राब हो गई। अब क्या होगा कि इंडेमनिफिकेशन होगा। इंडेमनिफिकेशन कौन करेगा? इंश्योरर करेगा, इंश्योर्ड को पेमेंट करेगा। उसके बाद आता है क्लॉज सबरोगेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन का। सबरोगेशन का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे आपको पेमेंट मिल गया, आपको उस प्रॉपर्टी का पैसा मिल गया, तो जो कार, जो डैमेज कार थी, उसका जो टाइटल है, ओनरशिप है, अब वो आपके पास नहीं रहेगा, अब वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इंश्योरर के पास। ये होता है सबरोगेशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक से ज़्यादा इंश्योरर से इंश्योरेंस करवा रखा है, सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्टर नहीं, मतलब एक ही इंश्योरर नहीं है, एक से ज़्यादा इंश्योरर हैं, तो जब किसी भी तरीके का डैमेज होगा तो ये सब कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रोपोर्शनेटली पे करेंगे। सबरोगेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉक्सीमेट कॉज। प्रॉक्सीमेट कॉज का मतलब होता है जिस पेरिल के लिए आपने, मतलब जिस चीज़ के लिए आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा है, अगर उससे अगर कोई लॉस होता है तो वो प्रॉक्सीमेट कॉज है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स है। अगला, टाइप ऑफ मोटर व्हीकल्स। कितने तरीके के मोटर व्हीकल होते हैं जानते हैं। इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्राइवेट कार्स, दूसरा है मोटर साइकिल्स, थर्ड वन इज कमर्शियल व्हीकल्स। प्राइवेट कार को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, सोशल डोमेस्टिक एंड प्लेजर पर्पस, मतलब आपने पर्सनल कार खरीदी है घूमने फिरने एंजॉयमेंट के लिए। दूसरा, प्रोफेशनल एंड बिजनेस पर्पस, आपने अपने बिजनेस के लिए गाड़ी खरीदी है, जैसे ओला हो गया या उबेर हो गया, या आपकी खुद की ट्रैवलिंग एजेंसी है, तो ये प्रोफेशनल या बिजनेस पर्पस हो गया। तो प्राइवेट गाड़ियां दो पार्ट में डिवाइडेड है। मोटरसाइकिल की बात करें, चार पार्ट में डिवाइड है, मोटरसाइकिल्स विथ और विदाउट साइड कार। शोले मूवी आई थी 1975 में, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की। ये जब जय और वीरू जब गाड़ी लेकर के जाते थे, तो इनकी जो बुलेट होती थी उसके बगल में एक साइड कार लगी होती थी। तो ये पहले के ज़माने में ऐसा होता था, आजकल बहुत अनकॉमन सी चीज़ है, नॉर्मली मिलती नहीं है। तो मोटरसाइकिल में उस चीज़ का भी इंश्योरेंस होता था, मोटरसाइकिल विथ या विदाउट साइड कार। दूसरा है ऑटो साइकिल्स या मोटरसाइकिल्स और मैकेनिकली पेडल साइकिल्स। ये ऑटो साइकिल्स या मैकेनिकली पेडल साइकिल, मतलब आजकल कई बार क्या हमने देखा है कि जो साइकिल होता है उसमें भी लोग इंजन लगा देते हैं, तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। या पेडल साइकिल्स, जो मैकेनिकली पेडल साइकिल्स हैं, सलमान खान की एक कंपनी है बीइंग ह्यूमन, उन्होंने जो साइकिल लॉन्च की है 58,000 की साइकिल है और मैकेनिकली पेडल साइकिल है, तो उसका इंश्योरेंस होता है। उस साइकिल की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 58,000। थर्ड वन है मोटर स्कूटर्स। मोटर स्कूटर्स इस कैटेगरी में, मतलब जो स्कूटर्स होते हैं, जो स्कूटी होती है, वो भी इस कैटेगरी में। फोर्थ वन इज थ्री व्हीलर्स इन अ वैलिड कैरेज। जो थ्री व्हीलर है उसके साथ कोई अगर कैरेज अटैच्ड है तो वो मोटरसाइकिल की कैटेगरी में आ गया। थर्ड वन है हमारा कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल वर्ड का मतलब होता है कि प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से, तो कमर्शियल व्हीकल। ये पांच पार्ट में डिवाइड है। पहला है गुड्स कैरियर, जो गुड्स कैरिंग है वो आपके प्राइवेट कैरियर्स हैं, आपके प्राइवेट बिजनेस के लिए। दूसरा, गुड्स कैरियर पब्लिक कैरियर है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या ट्रक्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाने के लिए। थर्ड वन है आपके ट्रेलर्स, जो बड़े बड़े कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। फोर्थ वन है पैसेंजर कैरियर्स, बसेस, होटल बसेस, एयरलाइन बसेस। फिफ्थ वन इज पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स। तो ये है टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।